लगभग 5 दर्जन मुकदमों में वांछित विकास दुबे फरार है। बताया जा रहा है कि नेपाल की तरफ चला गया है। पुलिस को चकमा देकर सारी सीमाएं सील कर दी गई। 8-8 पुलिसकर्मी, जिसमें राजपत्रित यानी डिप्टी एसपी तक की हत्या कर दिया गया। सीसी फुटेज कैमरे लगे थे उसके यहाँ, कैमरे से निगरानी कर रहे थे। जेसीबी रास्ते में खड़ी कर दी गई थी और 8-8 लोग शहीद हो गए। कई लोग जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। जिस विषय पर मैं आज बात करना चाहता हूँ वो यह है कि कई रसूखदार लोगों के साथ विकास के फोटो हैं। एक फोटो प्रदेश के कानून मिनिस्टर के साथ भी है। अभी तक किसी शासन के किसी प्रतिनिधि के तरफ से इसका खंडन नहीं हुआ है, जबकि वह लगातार फोटो वायरल हुआ है ब्रजेश पाठक के साथ। पाठक जी वर्तमान में प्रदेश सरकार के कानून मिनिस्टर हैं और सीएम साहब के बहुत नज़दीकी हैं। इसके पहले बहुजन समाज पार्टी के नेता हुआ करते थे, बाद में भाजपा ज्वाइन किया, उसी के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ा और हो गए कैबिनेट मिनिस्टर। इसके पहले पाठक जी सांसद रहे हैं। पाठक जी के साथ जो फोटो आप देख रहे हैं, जैसे होता क्या है, नेता कोई आया, मिनिस्टर आया, तो कुछ लोग लग जाते हैं और उनके मोबाइल किसी और के हाथ में रहते हैं कि बेटा फ़ोटो खींचते रहना, और उसे दाएं बाएं करके चलते रहते हैं। और किसी तरह से 10-5 फोटो आ गया तो उसमें कोई ना कोई फ़ोटो ऐसा रहता है जिसमें नेताजी के करीब वह दिखते हैं। फिर डालते हैं सोशल साइट पर कि माननीय मंत्री जी से खास मुलाकात। वह फोटो खास मुलाकात वाला नहीं है, वह फोटो बता रहा है कि आत्मीय संबंध और रिश्ते हो सकते हैं। बीच वाला फोटो विकास दुबे का है। आज पुलिस ताबड़तोड़ जेसीबी लगा करके मकान तोड़वा रही है। देखा गया कुछ मोटरसाइकिलें तोड़ी जा रही हैं, कुछ चार पहिया वाहन तोड़े जा रहे हैं, अन्य सामान तोड़ करके मकान नष्ट कर दिया गया। गुस्सा जायज है, मकान नष्ट करना नष्ट करना, क्योंकि मकान अगर अवैधानिक रूप से बना है तो फिर प्रशासन क्या कर रहा था। चलिए, इस विषय पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन विकास दुबे फरार है। किन परिस्थितियों में जिसने मुखबिरी किया उसका भी नाम उजागर हुआ है और उसके ऊपर भी बताया जा रहा है कि कार्रवाई की गई है। वह कार्यवाही पर्याप्त नहीं है जिसने इस प्रकार की मुखबिरी करके और इतने जाबाज साथियों की हत्या करवा दिया। यह किसी भी तरह इसे सुखद नहीं कहा जा सकता। और जो सीसी कैमरे लगे थे, इतना समय कैसे लगा, यानी कि अपराधी तकनीकी रूप से भी पुष्ट थे कि सारे प्रमाण अपने साथ लेकर के गए। यानी कि एक चीज़ था कि वह देख रहे थे और कौन कहाँ खड़ा है देख करके घात लगाए हुए। इतना बड़ा ऑपरेशन और इस तरह से हल्के में लिया गया, ठीक से उसकी प्लानिंग नहीं की गई कि इधर से जाना है किधर से घेरेबंदी। यह तो बात पता लगा होगा कि सारे अपराधी वहाँ हैं, अपराधियों के पास इतने अग्न्यास्त्र कहाँ से आए, इस तरह के AK-47 और अन्य बड़े बड़े हथियार। यह सब जांच का विषय है, लेकिन यह भी जांच का विषय है कि यदि माननीय मंत्री जी का करीबी था वह, तो माननीय मंत्री जी को भी बर्खास्त करना चाहिए, उनके संबंधों की भी जांच होनी चाहिए, उनका कॉल डिटेल्स निकलना चाहिए, कितनी बार ऐसे लोगों से बातचीत की गई है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से आज कानपुर की घटना पर पुनः श्रद्धांजलि दे रहा हूं। और अपराधी किसी भी तरफ बक्से न जाएं, पूरे प्रदेश और देश के अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मज़ा तो तब आएगा जब जिनको जिनको टिकट दिया है सबकी जाँच कराओगे और आगे से ऐसे अपराधी तस्कर टिकट नहीं पाएंगे, तभी तो माना जाएगा कि भैया आप ठीक हो, नहीं तो जैसे हुआ वैसे आप। कोई किसी में अंतर नहीं है। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। धन्यवाद।